हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्शिका क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ एक और प्रोडक्ट का वीडियो रिव्यू शेयर कर रही हूँ जो मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है, जो मुझे इस तरह के पैकेजिंग में पहुँचा था, जो काफ़ी अच्छी तरह से पैक हुआ है और एकदम मुझे मेरे पास सेफली पहुँच गया है। ये डेनाओ ब्रांड की ओर से है जो अमेज़ॉन से मैंने परचेज़ किया है। मुझे इसकी प्राइस 185 रुपीज़ पड़ी सिक्स जार्स के लिए। इनकी क्वांटिटी है 31 ml, इनकी ईच जार की क्वांटिटी 31 ml है। और ये मुझे 6 पीसेस मेरे पास पहुँचे थे, जिसमें से मैं एक ऑलरेडी, मुझे इतना पसंद आया कि मैं एक ऑलरेडी इसमें से यूज़ कर रही हूँ, जो ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं है इसकी। तो आप इसमें कोई भी अपने DIY क्रीम्स आराम से स्टोर कर सकते हैं। मैं काफ़ी समय से ऐसे ग्लास जार्स के लिए देख रही थी, क्योंकि मुझे अपने बनाए हुए DIY क्रीम्स जो हैं, जो या फिर DIY प्रोडक्ट्स जो हैं, जो मुझे प्लास्टिक के कंटेनर्स में स्टोर करना पसंद नहीं है, क्योंकि आजकल हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक में प्रोडक्ट्स रिएक्ट कर देते हैं और प्लास्टिक के इसमें प्लास्टिक के कंटेनर्स में स्टोर नहीं करना चाहिए। तो मैं कब से अपने लिए एक अप्रोप्रिएट ग्लास कंटेनर्स ढूंढ रही थी, जो मुझे कहीं नहीं मिले। तो मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। इनका माउथ देखिए कितना चौड़ा है, आप आराम से इसके अंदर अपनी दो उंगलियां डालकर अपने प्रोडक्ट को बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये निकालने में भी काफ़ी अच्छा है। और इसकी जो लिड है, ये लिड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ये काफ़ी टाइटली पकड़ते हैं। देखिए इनमें टाइट से, जैम के बॉटल की तरह टाइट से पकड़ने के लिए ग्रूव्स बने हुए हैं, तो ये एयर टाइट भी हो जाते हैं। आप इनको अपने DIY प्रोडक्ट्स को इसमें डालकर, लिड लगाकर आप इसको कुछ दिन फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये एयर टाइट है। और ये आप देख सकते हैं, ये गोल्डन कलर की लिड इसमें आई हुई है, तो ये, और ये लिड रस्ट प्रूफ है, तो आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें रस्ट लग जाएगा, तो ये रस्ट प्रूफ भी है। तो जब तक प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ था, मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि ग्लास का प्रोडक्ट, ग्लास का आइटम है तो कहीं कुछ डैमेज ना हो जाए, लेकिन मुझे ये अमेज़ॉन से काफ़ी अच्छी तरह से पैकेज में मिला है, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से पैक हुआ आया था। और ये इस प्रोडक्ट को की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, ग्लास भी काफ़ी थिक है, तो आप इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी थिक ग्लास है इसका, देखिए काफ़ी थिक ग्लास है और वाइड माउथ बॉटल है, तो इसे क्लीन करने में भी काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि अक्सर बॉटल्स के अगर ऊपर का माउथ छोटा होता है तो फिर उसे क्लीन करने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और अपना कोई भी लिक्विड या कोई भी अगर DIY प्रोडक्ट इसमें डाला जाए तो उसे निकालने में भी काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन इसका माउथ काफ़ी चौड़ा है, तो इसमें से निकालने में भी काफ़ी आसानी रहेगी। तो इसे आराम से इसमें डालकर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो और अगर सिर्फ घर में बने हुए क्रीम्स वगैरह ही क्यों, अगर आप जर्नी पे जा रहे हैं, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पिकल या फिर सॉस वगैरह भी आप इसमें कैरी कर सकते हैं खाने के लिए, और या फिर माउथ फ्रेशनर। बहुत सारे लोग अक्सर कहीं पे भी जाते हैं तो माउथ फ्रेशनर या सौंफ वगैरह अपने साथ ले जाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी अप्रोप्रिएट रहेगा। और कहीं पे भी इसको आप होल्ड करके भी ले जा सकते हैं, काफ़ी छोटा है, तो आप इसको आप आराम से अपने हैंडबैग में या फिर अपने कोई भी बैग जो आप कैरी करते हैं साथ में, तो उसमें इसको डालकर कहीं पे भी इजीली कैरी कर सकते हैं। तो मैं तो इस प्रोडक्ट से काफ़ी खुश हूँ, और मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रही थी, मुझे एग्जैक्टली वैसा ही प्रोडक्ट मिला है, तो इसकी क्वालिटी से भी मैं काफ़ी खुश हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।